हाय, दिस इज नाजिया मलिक और आज फोर्थ डे रमजान का और मेरे साथ आज के शो में जो मेहमान मौजूद हैं सना नूर भी हैं मेरे साथ और मेरे साथ इस वक्त समरा अरसलान भी हैं। समरा, कुछ मैसेज दोगी? बिल्कुल, मैं अपने लोगों को यही कहना चाहूंगी कि रोजे में अपना थोड़ा सा जो पेशेंस है उसे जरूर कायम दायम रखा करें, गुस्सा बहुत हल्का हाथ रख लिया करें उसके ऊपर, और अपने नौकरों के साथ अच्छा सा सलूक करें क्योंकि वो आपका बहुत खिदमत कर रहे होते हैं, आपके काम कर रहे होते हैं। तो बस यही, हाँ, इसके साथ और क्या। समरा, तुम क्या कहोगी? मैं ये कहूंगी कि रोजे रखें लेकिन साथ साथ अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खाएं पिएं सब कुछ खाएं लेकिन इतना खाएं कि वो आपकी हेल्थ को अच्छे बेहतरी की तरफ लगे, आपको बीमारी की तरफ ना लगे। ऑलराइट, और इसी तरह हमारे साथ शेफ दुरेश शहवार भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आज उन्होंने बड़े मज़ेदार मैक्रोनीज जो बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, बड़े ज़बरदस्त मैक्रोनीज थे। मैक्रोनीज की रेसिपी आप बनाएंगे, चिकन ले लेंगे, उसको फ्राई करेंगे, उसमें चिकन का मसाला आप जिस तरह मैरिनेट करते हैं उसमें सोया सॉस डाल दें, चिली जो गार्लिक पेस्ट है वो डाल लें और उसको फिर मैरिनेट करने के बाद आप फ्राई करेंगे, फ्राई के बाद उसमें वेजिटेबल्स डालेंगे, देन वी ऐड मैक्रोनीज इन इट और उसमें जो भी स्पाइसेस आपको अच्छे लगते हैं, मैंने मेयोनीज डाला, केचप डाला, मेयोनीज, ये मेरा बड़ा अच्छा, उसमें ग्रेवी बड़ी मज़ेदार बन गई होगी। डू ट्राई, आप मेयोनीज डाल के देखें, बहुत अच्छा लगता है, उसको फ्राई करें। हाँ, अगर आप टिक्का चिकन टिक्का बना रहे हैं तो यू कैन ऐड कोल दम इन इट, आप कोयले का दम दे दें, वो कितना मज़ेदार लगेगा। अच्छा, मैं रेसिपी दिखा भी देती हूँ कि कैसी लग रही है रेसिपी। यहाँ पर रेसिपी भी है और रू अफ़ज़ा भी है, दूध से बना हुआ, बड़ा मज़ेदार। तो इसके साथ ही आज का डे हमारा बड़ा अच्छा गुजरा, इंशाल्लाह आज की इफ्तारी भी बड़ी अच्छी गुजरेगी। आपने बहुत